सर मैं विक्रम सिंह, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। इसका मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट या तो 11th में केमिस्ट्री ठीक से नहीं समझ पाए थे, या वो बच्चा जो 11th में नया नया ज्वाइनिंग में आ रहे हैं, तो इनको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि केमिस्ट्री को समझने लायक वो बन जाए। तो मैंने इससे भी पहले कुछ जीरो लेवल केमिस्ट्री क्लास दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और अब बात कर रहा हूं कि जीरो लेवल केमिस्ट्री क्लास का मतलब होता है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता हो तो कुछ सीख जाएं जिससे केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाए। आज ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, और उस संरचना के बेस पर हम आगे जाकर के केमिकल बॉन्डिंग को समझ सकेंगे और बहुत सारी चीजों को समझ सकेंगे। तो मैं आज आपके लिए एक छोटी सी क्लास, छोटी सी बात बताने वाला हूं, और इनको बिल्कुल एक बार देख लो, पूरा देख लो, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने वाले स्टूडेंट को तो कोई पढ़ा नहीं सकता है। और थोड़ा छोड़ने के बाद आप पढ़ेंगे तो भी आप कुछ नहीं समझ सकेंगे। तो पूरा का पूरा आप एक बार देख लो, इससे क्या होगा कि कुछ जानकारियां आपके पास नई भी आएंगी और कुछ जानकारी आपका जो है पुराना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था यहां पे कि परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनको हम एक नए रूप में देखते हैं। जैसे कि हमने बुक में पढ़ा है जिस तरह से, उसी चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपके लिए स्पेशल कहा है कि भाई परमाणु की जो संरचना होती है वो क्या एक्चुअली वो ओनली गोलाकार होता है, क्या परमाणु जो होता है केवल एक छोटा कण होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि परमाणु जो होता है यानी एटम जो होता है वो छोटे छोटे तीन कणों से मिलकर बना होता है, मूल रूप से तीन कणों से बना होता है, और भी दूसरे कण होते हैं जिसको म्यूऑन, पाइऑन यानी मेजोन कण कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है, इस तरह के बहुत सारे और भी कण हैं, न्यूट्रिनो कहा जाता है। तो ये सारे कणों के बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मूल रूप से कितने कण होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन कण होते हैं, ये तीन कणों से एक पूरा परमाणु बनता है। इस परमाणु में बीच में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि परमाणु में दो भाग होते हैं, एक पार्ट कहलाता है नाभिक, न्यूक्लियस, ये बीच में, इसको हम कहेंगे प्लस से हम दर्शा रहे हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो घूम रहे होते हैं, ये कहलाएगा न्यूक्लियस, नाभिक, और ये कहेगा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट। ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट होता है, ये नाभिक वाला पार्ट होता है। न्यूक्लियस जिसको कह रहे हैं, इसमें दो कण होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से, प्रोटॉन को पी प्लस से, और न्यूट्रॉन को एन नॉट या एन जीरो से दर्शाते हैं। तो ये तो इस हो गए स्ट्रक्चर। लेकिन बात यह है कि परमाणुएं जो होती हैं, क्या इतना जान लेने से काम हमारा चल जाएगा? बस ये समझो कि इसमें जो इसका स्ट्रक्चर अगर हमको समझ में आ गई, संरचना समझ में आ गई, तो हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं बड़े आराम से। सो चलो हम इन पे बातचीत करते हैं। अभी तक आप जान चुके हैं कि परमाणु में दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वातावरण। तो न्यूक्लियस में दो प्रकार के कण होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस दो प्रकार के कणों से बना होता है, उन कणों को क्या कहा गया, ये देखो, दो प्रकार के कणों से बना होता है, उसकी नाभिक, हम इसको दो तरह से बना हुआ है तो दो प्रकार के हम यहां पर दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है, चलिए इसको मान लेते हैं न्यूट्रॉन और इसको मान लेते हैं प्रोटॉन, ठीक है, इस तरह से बना होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं इसके चारों तरफ, शुरुआत में यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर घूमते रहते हैं, रदरफोर्ड ने कह दिया था, लेकिन बाद में प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते वातावरण में सिर्फ घूमते नहीं है, वो एक निश्चित
पाथ में घूमते हैं, निश्चित रास्ते पे घूमते हैं। इन रास्तों को नाम दिया गया ऑर्बिट, कक्ष, शेल, कोश, ये नाम दिया गया। इनमें से कोई भी नाम कह सकते हो। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका मान होगा के एल एम एन ओ पी क्यू, और इसको एक नंबर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से के 1, L2, M3, N4, O5 इसको नाम दिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो कोश है वहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित जगह पर अपने रास्ते पे घूमते हैं, तो इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन घूमती है। ये हम ऐसा कोई बॉर्डर ऐसा नहीं होता है न्यूक्लियस में कि वहां पर कोई झिल्ली लगी हो और उसमें न्यूक्लियस होता है, यानी हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं होता है ना। ये एक न्यूक्लियस को दिखाती है जिसमें इसी तरह से वो होंगे, क्या होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है, इसको क्या कहा जाएगा, कक्ष को एनर्जी लेवल कहा जाएगा। एनर्जी लेवल कहा जाएगा, ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। देखो एक ही चीज के कितने सारे नाम हैं, हम कंफ्यूज ना हो, बस बस उसको जाने, बस इतने में काम चल जाएगा। सो हम इसको मूल रूप से क्या कह दें, कक्ष या ऑर्बिट कह दें, बाकी नाम को हम हटा देते हैं। चलिए ये लीजिए, हमने बाकी चीजों को हटा दिया थोड़ी देर के लिए, बाकी आप समझ गए हैं। तो इनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एन से, और ये होता है ये। तो इसका मतलब हुआ कि ये के है, ये के है, ये एल है, ये एम है, या इसको नाम दे सकते हैं 1, 2, 3, यानी कि n इज इक्वल टू 1 है इसके लिए, इसके लिए n इज इक्वल टू 2 है, और इसके लिए n इज इक्वल टू 3 है। ये जो कोश होता है ना बेटा, जिसको शेल कह रहे हो या कक्ष कह रहे हो, ये भी कुछ पार्ट से बना होता है जिनको कहा जाता है उपकक्ष। ये कक्ष हुआ, क्या कहा जाता है, उपकक्ष, जिसको स्मॉल l से दर्शाएंगे। इसका नाम होता है SPDF, SPDF, SPDF। ये जो होते हैं, ये चार उपकक्ष होते हैं। ये पार्ट जो है, इलेक्ट्रॉन सीधे से कक्ष में तो भरे होते हैं, लेकिन वो अलग अलग किसमें भरे होते हैं, अलग अलग पार्ट में भरे होते हैं, अलग अलग आकृति या शेप बनाते हुए भरे होते हैं। मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, और एक बार समझ लो। तो ये जो है पहला ऊर्जा स्तर में भी SPDF होगा, नहीं, ओनली S और सबशेल होंगे या उपकक्ष होंगे। उपकक्ष को क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिट। सेकंड में ये सेकंड एनर्जी लेवल है, तो इसमें, अच्छा इसको किससे दर्शा रहे हैं, स्मॉल L से, तो L इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, S होगा, यहां पर क्या होगा, L इज इक्वल टू यहां पर SP होगा, यहां पर क्या होगा, L क्या होगा, SPD। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि परमाणु जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ बाहर उसके वातावरण होते हैं इलेक्ट्रॉन के। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि कोशों में बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग पथों में घूम रहे होते हैं, अलग अलग रास्ते पे घूम रहे होते हैं, और इन रास्तों पे जो ये घूम रहे हैं, ये भी जहां पे वो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही घूम नहीं रहे होते, वो एक निश्चित आकृति बनाते हुए संरचनाओं के अंदर घूमते हैं, जिनको हमने यहां पर कहा ये कक्ष था, तो ये उपकक्ष में आ जाता है, यानी कि सब ऑर्बिट में होते हैं। तो सब ऑर्बिट क्या कहलाता है, एल से दर्शाते हैं, और ये होता है SPDF। पहले में ओनली एक उपकक्ष होगा, दूसरे में दो होगा, तीसरे में तीन होगा, और इसी तरह से अगर चौथा, अगर कोई n इज इक्वल टू 4 हुआ, यानी कि चौथा ऊर्जा स्तर है, तो इसमें होगा l इज इक्वल टू SPDF। इतने से ये बना होता है,
और इन्हीं पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में भरेगा, किसी भी ऑर्बिट में भरेगा, तो इसमें भरेगा वो इलेक्ट्रॉन एस में भरेगा। जब सेकेंड ऑर्बिट में भरेगा तो पहले एस में भरेगा, फिर पी में भरेगा। थर्ड ऑर्बिट में जब भरेगा तो एस पी डी में भरेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे होती हैं। अब इस चीज को थोड़े से इस तरह समझ लो, एक ग्राफ के अनुसार। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको किसी तरह का भी डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं डाउट नट से, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगा उसे आप डाउट नट ऐप में पूछ सकते हैं, और आप 8400 400 और 400 व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप में आप अपना डाउट भेज सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर देख रहे हैं, ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर को किसे डिनोट कर रहे हो, स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हो। तो ऊर्जा स्तर जो होगा, हमने जाना है कि इसकी वैल्यू क्या होती, के एल एम एन ओ पी क्यू, और इसको हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। अब इस ये जो पार्ट होता है एनर्जी लेवल, वो भी कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसको हमें क्या कहना है, एल कहते हैं। इसको एक नाम दिए थे, आपको याद है, ऑर्बिट या कक्ष, ठीक है। तो ये जो होता है के चार पार्ट में हमने बटा हुआ देखे हैं, और वो क्या होता है, एल होता है। एल मतलब सब ऑर्बिट, ये सब ऑर्बिट है, वो चार पार्ट में बटा होता है एस, और ये जो चार पार्ट में बटा हुआ है हम इसको कहेंगे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा अभी बताता हूं मैं आपको। तो ये एल है, ये एल जो है चार प्रकार के होते हैं जो हमें जानना है अभी, एस पी डी एफ। तो एल की वैल्यू आपको क्लियर हो गई कि एल क्या है, एल कितना, कौन कौन से होते हैं, एल एस पी डी एफ। एल क्या होते हैं, एल क्या होते हैं, एस पी डी एफ, मैंने यहां पर लिख दिया एल, एल सबशेल। तो कौन कौन से होगा, एस पी डी एफ। ये भी छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, देखें ये भी छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, एक पार्ट पी जो है कितने पार्ट से बना होता है, तीन पार्ट, डी जो है पांच इस तरह से, और एफ जो है सात। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका मैथमेटिकल वैल्यू है जीरो, इसका है वन, इसका है टू, इसका है थ्री। तो ये जो बना हुआ है ना, इसको हमने एम से डिनोट करने हैं, और ये जो एम जो है वो दिखाता है ऑर्बिट को, ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल को, जिसको हम कहते हैं कक्षक। कक्ष उपकक्षकों से बना होता है, उपकक्ष जो है उपकक्ष से बना होता है, उपकक्ष जो है ऑर्बिटल से बना होता है, जिसको कहते हैं कक्षक, कक्षक से बना होता है। तो ये कक्षक है। यहां पर देखें, इसका जीरो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू, इसको नाम दिया गया, इस डब्बे का नाम जीरो। ये वन है तो ये माइनस से लेकर के प्लस तक जाएंगे, तो माइनस वन जीरो प्लस वन। यहां पे टू है तो माइनस टू, माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू। क्या समझ में आया, माइनस से लेकर के प्लस तक चलते जाओ। इसमें क्या है, थ्री, तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट जो होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, रियल में इन डब्बों पे पाई जाती है। इसको भी एक नाम दिया गया है, इस ऑर्बिटल को भी कहा जाता है, इसको ऑर्बिटल कहते हैं ना डब्बे को, तो ये एस कहलाएगा, ये कहलाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। ऐसा क्यों बताऊंगा मैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ये वाला कहलाएगा डी जेड स्क्वायर। इसमें भी नामकरण है पर यहां पे अभी आपको फंसना नहीं है क्योंकि बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। सो यहां पर इतना लेवल तो हम तय कर सकते हैं, जीरो लेवल से इतना लेवल तो तय कर सकते हैं। अब जब समझने वाली बात यह हो गई कि ये जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉन जो है रियल में ऊर्जा स्तर में होता है, लेकिन ऊर्जा स्तर भी कई भागों से मिलकर बना होता है जिसको एसपीडीएफ कह रहे हो। एसपीडीएफ भी छोटे टुकड़ों में होता है, उनके भी अपने पार्ट होते हैं। एस एक पार्ट से बना होता है, पी तीन, डी पांच और एफ सात। दो दो प्लस करते जाओ, एक डब्बा है, दो बढ़ गया, तीन हो गया, दो बढ़ गया, पांच हो गया, दो बढ़ गया, सात हो गया। बस इतना ही कर लो आप। हर एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन भरता है। देखो हर एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन भरता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, गोलाकार ना, तो दो इलेक्ट्रॉन भरता है, एक और ये दो, इसे ज्यादा नहीं। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ही डब्बे में अगर भरा हुआ है तो हर इलेक्ट्रॉन जो है, सुनिए, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पर किसी दिशा में घूमती है। ये इधर घूम रही है, इसको हम तो क्लॉकवाइज या उल्टे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन जो है घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो हम इसको एरो को ऐसे दर्शाएंगे, और अगर इस तरफ घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे एरो लगाएंगे। मतलब डब्बे में जब इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे तो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन के घूमने की स्थिति को भी हम यहां पर स्पिन कहते हैं, चक्रण कहते हैं, और उनका भी मैथमेटिकल वैल्यू है। ये क्लॉकवाइज घूम रही है, इसका मैथमेटिकल वैल्यू है प्लस हाफ, और उल्टी दिशा में घूम रही है तो इसका हो जाएगा माइनस हाफ। इस तरह से परमाणु की जो संरचना होती है कुछ ऐसा ही होगा, जिसको आगे जाकर के क्वांटम नंबर के रूप में हम समझेंगे, और क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम बताने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरी बातें क्लियर होती जाएगी। अब आपको उस एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी दे रहा हूं, उस परमाणु की संरचना के बारे में, तो आपको कुछ चीजें क्लियर होगी। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, ये जो डब्बा दिख रहा है ना, डब्बा तो नहीं होगा वहां पे परमाणु में, वो एक निश्चित आकृति बनाती है। जब इलेक्ट्रॉन वहां पर होता है तो एक निश्चित आकृति बनाती है, तो ये क्या होगा, ये गोलाकार आकृति बनाती है। पी ऑर्बिटल जो है कैसे बनाती है, डंबल शेप बनाती है। ये कैसे बनाता है, डबल डंबल शेप बनाता है। ये कैसे बनाता है, ये इसके जटिल आकार होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आकार होते हैं, बहुत सारे अलग अलग आकृति होती है। सो यहां पर सिंपलीफाई, सिंपल रूप में मैंने बना दिए हैं, लिख दिए हैं, लेकिन आप आगे जाकर के जब इसको पूरा का पूरा समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होता कैसा है। तो ये देखें, ये एक दो तीन, तीन पे ज्यादा ध्यान देना है, मतलब तीन पे अभी आपको जीरो लेवल पे काम करना है, फिर आप जैसे ही उसको ग्रो करोगे, ज्यादा हाई लेवल में जाओगे, तब इस तरफ पे बात करेंगे। तो चलो यहां पर ये हुआ, एस ऑर्बिटल गोलाकार होगा, पी कैसा होगा, डंबल आकार में होगा, और ये है ट्यूलिप शेप बोलते हैं या डबल डंबल आकार कहते हैं, स्फेरिकल डंबल्ड, डबल डंबल्ड, और उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड डबल डंबल्ड, यानी जटिल द्वि डंबल आकार संरचना होगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये हुआ संरचना इनके बारे में। अब ये जो दिख रहा है ना, इसको हम एक परमाणु में समझ लेते हैं कैसे होगा। हम कह रहे थे कि न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसके बारे में सोचते हैं, अभी नहीं सोचना। तो यहां पर ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से हम इनको एक बार समझ लेते हैं कि ये परमाणु की संरचना कैसी होती है। इनको हम नाम दे दें, के एल एम एन ओ पी क्यू, जो भी है, ठीक है। ये एक्चुअली किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऊर्जा स्तर को, एन को, ऊर्जा स्तर को, कोष को, कक्ष को, के एल एम एन ओ पी क्यू को समझ रहा है। इसका नंबर है 1 2 3 4 5, इसको एक नंबर देते भी है, इसको कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर पता चल गया है कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2,
एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू 5 पता चल गया। अब ये कहलाता है कक्ष, जैसा कि आप जान चुके हैं। अब कहलाएगा, हम करेंगे उपकक्ष। क्या कहेंगे? उपकक्ष। उपकक्ष, उपकक्ष जिसको सबशेल कहते हैं, स्मॉल एल एस पी डी एफ। तो ये है, यहां पर एल से डिनोट करते हो, इसको एल से डिनोट करो तो इसमें एल की वैल्यू होगी एस, जबकि इसमें एल की वैल्यू होगी एस और पी। इसमें क्या होगा? एल की वैल्यू होगी एस पी डी। इसी में हम लाइन से लिख सकते हैं, अगर आप उसी तरह लिखना चाहते हैं तो वैसे लिखा देते हैं आपको। ये एस और क्या होगा? इसमें पी होगा, जबकि इसमें एल की वैल्यू क्या होगी? एस पी डी। इसमें एल क्या होगा? एस पी डी एफ। इसमें एल की वैल्यू क्या होगा? एस पी डी एफ। इसे ज्यादा नहीं है उपकक्ष अभी तक जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं उनमें, सो इतने तक ही तो जाएगा। अब चलते हैं कि अब हम जान चुके हैं कि एस जो है इसकी एम वैल्यू, एम मतलब होता है कक्षक, एम। तो ये एस का एक पार्ट होता है, तो यहां पर हम दिखा रहे हैं एक, जबकि पी में कितना होगा? 3, पी एक्स पी वाई पी जेड एस। तो यहां पर एस में 1, इसमें पी में 3 और डी में 5, ये सबको याद हो गया, तो सब में ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां होता है? यहां भरा होता है। ये जो है एस जो है, देखो इलेक्ट्रॉन कहां भरा होता है? एस के वो डब्बे में भरा होता है। अब डब्बा नहीं होता एक्चुअली, वो स्फेरिकल होता है, मतलब एक कह सकते हैं न्यूक्लियस में ये अगर पहला ऊर्जा स्तर है तो इलेक्ट्रॉन जो है इनमें इस तरह से एक क्लाउड बनाती है, एक तरह की बादल बनाते हैं इलेक्ट्रॉन के होने की। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक खास जगह पे नहीं होती है, जबकि वो इस जगह पे होने की पूरी संभावनाओं के साथ वो गति करती रहती है। मतलब ये सोचो कि मैं, आपने कभी बचपने में देखे होंगे एक अगरबत्ती जला लेते हो और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, है ना, या फुलझड़ी जलाकर घुमाते हो, तो क्या दिखता है वो? क्या वो फुलझड़ी एक जगह दिखती है? नहीं, उसके पूरे रास्ते दिखाई देते हैं आपको, पूरे लाइन से ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं। मतलब एक खास पॉइंट में वो है ऐसा नहीं दिखाई देता है। जब आप स्थिर रखे हो तो दिख रहा है, यहां पे देखो तो दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे से घुमा रहे हो या ऐसे से घुमा रहे हो तो क्या दिखता है? पूरा एक रास्ता दिखाई देता है आपको। बिल्कुल वही बात है कि एक ही इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन इस तरह के रास्ते या एक अपना क्षेत्र दिखाएगा, इसी क्षेत्र को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, जो भी हो। तो ये कैसा होगा? इसी तरह से गोलाकार में होगा। जबकि पी के स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा? ये अगर न्यूक्लियस है तो ये ऐसे नजर आएगा, ऐसा एक पूरा क्षेत्र नजर आएगा, ठीक है। तो इसके पूरे डिटेल्स हैं, बहुत डिटेल हैं, हम जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आगे जाके। मैं यहां पर चाह रहा था कि जीरो लेवल की स्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, तो इसलिए इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी कि आप इसमें ये समझ गए हैं कि यहां पर पहला ऊर्जा स्तर में होता है एस और एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऑर्बिटल में, जो गोलाकार स्ट्रक्चर को दर्शाती है। जबकि सेकेंड में होता है एस और पी, तो एस में गोलाकार स्थिति है जहां पर इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या करता है उस जगह पर? इलेक्ट्रॉन की क्लाउड के फॉर्म में स्फेरिकल में होता है। और कहां पे होता है? पी भी होता है इसमें, यानी कि उसमें डंबल शेप जैसी संरचना बनाते हुए इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित रहती है। इसी तरह से सभी में इस तरह की बातें आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं के साथ साथ हम इस बात को समझें कि हमने क्या पढ़ा है, एन एल एम एस, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो तो आप क्वांटम नंबर कैलकुलेट आपको करने आ जाएगा, क्वांटम नंबर बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो जरा समझें, आपने समझ गए होंगे एन एल एम एस। एन अगर मैं यहां पर लिख दूं 3s, तो आपको क्या समझ में आता है? अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, जैसे मैंने बोला सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूं तो क्या करोगे? इसका एटॉमिक नंबर 11, और लिखोगे क्या?
1s2, 2s2, 2p, 6. सॉरी, और क्या लिखोगे? 3s1 लिखोगे. ये लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिखोगे. लिखोगे ना? तो ये हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिक विनर्स बनाना सिखा चुका हूं मैं, तो आप उनको जरूर देखिए. हम उसके अगले लेवल पे बात कर रहे हैं. तो ये हुआ सब. यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है 3s1. तो यहां पर 3s1, 3s1 से आपको कौन सी जानकारी मिली बताइए? 3s1 से आपको कौन सी जानकारी मिली? 3s1 से क्या जानकारी मिली? इसके मिलती है कि जो 3 है ना, वो n को दर्शा रहा है. s जो है वो किसको दर्शा रहा है? l को दर्शा रहा है. और उसमें इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है. कितना इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है. कितना इलेक्ट्रॉन है उसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है. लेकिन एक चीज छुपा हुआ है, वो है कि एस से हमें पता चल जाता है कि इसमें ये एक डब्बे से बना हुआ है जो कि एम को दिखाता है. ठीक है, किसको दिखाता है? वो एम को दिखाता है. ये एक छोटी सी बात जो यहां पर छुपा हुआ रहता है. सो आप क्या बता सकते हो कि इससे आपको क्या क्या मिला? इससे मिला एन, एल, एम, एस. एस यहां पर स्पिन को दर्शाता है. एक मिनट, मैं एक काम करता हूं. जी, अब तुम इलेक्ट्रॉन जिस इसमें भरोगे तो कैसे भरोगे वो भी समझो. ये जो डब्बे होते हैं ना बेटा, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो कैसे भरा जाता है? 1, 2. अगर पी में भरोगे तो कैसे भरोगे? 1, 2, 3. पहले एक एक करके भरोगे, फिर उसके बाद ऐसे भरोगे. ठीक है, 1, 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 ऐसे भरोगे. तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका होगा. ठीक है, कभी ऐसे नहीं भरना ना, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं. पहले एक एक करके भर जाओगे, उसके बाद भरोगे. चलो, अब यहां पर मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा. एन एल एम एस चार ऑर्बिटल है, चार क्वांटम नंबर कहलाती है. या इसको क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर कहते हैं. चार क्वांटम नंबर होते हैं, एन एल एम एस. इससे अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको पूरी जानकारी मिल रही है. 3s और s में ये m को दर्शाता है, ये 3 n को है, ये l है, और ये s जो है ये डब्बे को दिखाता है, डब्बा m बताती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है 1, ये बता रहा है. तो इलेक्ट्रॉन जब पहली बार भरेगा तो आप इस तरह से भर सकते हो क्लॉकवाइज. इससे आपको चार जानकारियां मिल चुकी हैं. क्या क्या मिल गई है? n 3 हो गया, L S हो गया, M ये बॉक्स हो गया, और इस बॉक्स को क्या किसे क्या लिखते थे आपको याद है? 0, और ये 0 हो गया, और S यानी स्पिन को दिखाता है. स्पिन ये कितना इलेक्ट्रॉन है? ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको बता रहा है, स्पिन को दर्शा रहा है. स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है. सो कितना दर्शाया? ऊपर की तरफ है, यानी कि +1/2. जो हमने पहले पढ़ा था वो सारी चीजें अब यहां पर क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, अब जितनी बातें आपने देखा है उसको 2-3 एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो. तो अब देखो क्या हुआ कि आपको ये बता रहा था जब मैं एन की वैल्यू क्या होती, जब मैं बता रहा था एन की वैल्यू होती के एल एम एन ओ पी, तो उस टाइम बताया था इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कहते हैं. नंबर है उसका, मैथमेटिकल वैल्यू है. इसी तरह से L के बारे में बता रहा था, तो S, P, D, F बताया, तो S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की 2 और इसकी 3 होता है. और जब मैंने आपको बताया कि S है ये एक बॉक्स, तो इसको हमने नंबर दिया है 0. इसमें आते हो
तो क्या होता है, तीन बॉक्स है तो ये दिया था माइनस वन, ये जीरो, प्लस वन, एम की वैल्यू, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, ये बात कहा गया था। अब ये सारी बातें हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने की बारी आती है तो हम कैसे करेंगे। अब ट्वेल्थ वाले बच्चों को ये चीज जानकारी हो जाए तो क्या फायदा होगा, आपका इलेवंथ का वो पोर्शन कवर हो जाएगा, ताकि दिमाग में ये कीड़ा ना रहे कि मैं ये नहीं समझ पाया हूं, इसलिए ये फायदेमंद है। इसलिए कहते हैं कि जीरो लेवल क्लासेस बहुत जरूरी है। किसी एक बच्चे ने कहा था मुझे कि सर जीरो लेवल क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर समझा दीजिए, तो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक लेवल समझा दिया, यानी जीरो लेवल में समझा दीजिए बोला, तो मैं जीरो लेवल में समझा रहा हूं आपको। तो चलो देखें क्वांटम नंबर का अगला स्टेप। चले अब बात कर रहे हैं यहां पे कि हमें सारी जानकारी हो गई है। मान लीजिए मेरे पास कहा गया 4p5, इससे क्या पता चला, हमें यह पता चला 4p, पी का एक 4 ने बताया n, पी ने बताया l, और ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपको पता चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो पी है इसने बताया m, पी से पता चलता है, m की वैल्यू भी पता चलता है, ये लीजिए। और उसके बाद ये पांच इलेक्ट्रॉन है, इन पांचों इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां पर फिल करूंगा, तो कैसे भरूंगा, 1, 2, 3, फिर ये 4 और ये 5, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, और छठवां इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां पर पांच इलेक्ट्रॉनों की आप क्वांटम नंबर बता सकते हो, एक से लेकर के पांच इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर आप बता सकते हो। तो कैसे बताओगे, जरा सोचो, मैं कहता हूं कि चलो प्रथम इलेक्ट्रॉन की, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताना है, तो कैसे बताओगे, तो हमें चार क्वांटम नंबर कौन कौन सा हमारे पास, n, l, m, s। मैं आप सबको इतना बता दूं कि मैं कोई क्वांटम नंबर पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब होते हैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो n है वो इसे कहां से पता चला, तो बताता है, ये चार बातों को बताने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन ये है, और इस जगह पर आना है चार क्वांटम नंबर को बताने की कौन कौन सा है, तो कुछ मत करो, सिंपल सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना ना, मैं कैसे बता रहा हूं, यहीं पे खास बात है, ये कहां पे है, 4 पर है, पी पर है, और ये देखो m की वैल्यू डब्बा है, तो ये क्या होता है, ये माइनस वन होता है, ये जीरो होता है, ये प्लस वन होता है, ये डब्बा माइनस वन, ये प्लस वन, जीरो और ये प्लस वन होता है, तो कैसे करोगे, 4 इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहे हो, 4p माइनस वन और ये क्लॉकवाइज, क्या पता चला इसे, 4p माइनस वन और ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब प्लस हाफ, क्लॉकवाइज मतलब प्लस हाफ। दूसरी तरफ से चलें तो कैसे समझेंगे, अगर मैं कहता हूं कि पांचवा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, यहां तक कैसे पहुंचोगे, 4p 0, ये डब्बा कौन सा है, जीरो, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन चल रहा है, पांचवा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन के लिए था, पहला, तो क्या हुआ, 4p 0 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज नीचे है, तो माइनस हाफ। तो हमने ये देखा कि कितना आसान होता है इलेक्ट्रॉनिक कितना आसान होता है चार क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना, आप सिर्फ उस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, और किस इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो चलो देखें, एन पहला इलेक्ट्रॉन वाला है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं इसको देख के चलता हूं, तो कितना हुआ, यहां तक पहुंचना है, ये बताएगा एन, तो वह 4p ऐसे बोला, क्या है n, क्या है l, ऐसे मत सोचना, ऐसे मैं आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना, 4p माइनस वन डब्बा है क्लॉकवाइज, 4p माइनस वन और ये क्लॉकवाइज है, यानी कि प्लस हाफ, p की वैल्यू होती है 1,
चार क्वांटम नंबर हो गया, क्या n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू +1/2। इस तरह से क्वांटम नंबर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक जीरो लेवल क्लास है, आप इसमें, मैं बार बार ये लाइनें क्यों बोल रहा हूं जीरो लेवल क्लास है, क्योंकि हम जिस तरह से आपको यहां पर बताने की कोशिश करें उसमें कोई बड़ी जानकारी ना हो तो भी आप इस चीज को सीख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आप पूरा ये वीडियो देखो, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये हो गया। दूसरी बात देखें, मान लीजिए इसमें मैंने कहा पांचवा इलेक्ट्रॉन की बात, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन की बात है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहते हैं जिसको, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो अंतिम बार भरेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्या n l m s, क्या होगा n l m s? इस जगह पे आप क्या सोच रहे हो n l m s के बारे में? क्या सोच रहे हो? पांचवा इलेक्ट्रॉन ये है, यहां तक पहुंचना है, इस डब्बे तक पहुंचना है, इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो ये 4p, ये डब्बा है 0 और ये है एंटी क्लॉकवाइज -1, तो 4p0 -1/2 एंटी क्लॉकवाइज, तो p का वैल्यू 1। अब इतना कहूंगा कि इस तरह से आप किसी भी चीज में आप काम कर सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन की आप क्या कर सकते हो, चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देखिए, और मान लीजिए लिखा हुआ है मेरे पास 3d7, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है, तो 3 हो गया, d हो गया, d को ओपन करो ना m बताने के लिए, पांच पार्ट में बना हुआ है, m इज इक्वल्स टू d में, अच्छा इसका क्या होगा -1 sorry -2, क्योंकि d की वैल्यू कितनी होती बेटा 2, तब ये कहां शुरू होगा -2 से, -2 -1 0 +1 +2। अब इस तरह से क्या हो गया बोलो, क्या हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये है 7वां इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन का मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि दिखाई दे, ये है 7वां इलेक्ट्रॉन, यहां तक पहुंचना है, तो कैसे बोला था 3d-1 एंटी क्लॉकवाइज, 3d-1 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को कैसे कहते हो? -1/2 से दर्शाते हो, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d मतलब 2, m की वैल्यू -1 और s की वैल्यू -2। कौन सी चीजें क्या है ये जानने से पहले ही हम वो चीज कर लिए जिसको सीखने के लिए हमें कई दिन लगते थे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने की बातें। और कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे? तो हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अरे ज्यादा हो गया, 1s2, 2s2, 2p4, 2p4, लास्ट में है तो लास्ट p ऑर्बिटल को ओपन कर लो, आपको पता है ये m बताएगा, -1 0 +1, चार इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये है चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन सा है चौथा इलेक्ट्रॉन? ये है, न कि ये है, ध्यान रखिएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बोला है, अंतिम 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 कौन सा है? ये हुआ। अब बताओ ये कहां पे, 2p -1 -1, 2p -1 -1/2, बस सीधा सा तरीका है, n इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू pp यानी कि 1, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 और s इज इक्वल्स टू -1/2, सीधा सा तरीका है इस चीज को कैलकुलेट करने का। तो थोड़े प्रयास करेंगे तब सीख पाएंगे,
थोड़ी मेहनत करेंगे तो सीख पाएंगे। तो मेहनत आपके हाथों में है, थोड़ी कोशिश आपके हाथों में है। तो आप सबको ये क्लास से क्या मिला वो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करें, और ना लगी हो तो बताइए कि क्या कमी रह गई है ये बताइए, ठीक है। गलत कमेंट ना करें, जबकि आप सहयोग करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे प्रॉब्लम है वो बात कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाएं, तो एटम कैसा होता है, परमाणु कैसा होता है, और परमाणु में ये सब चीजें होती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। डायरेक्ट लाइव क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं, एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 9644562030 पर। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है कि आप हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट के साथ आप डायरेक्ट पढ़ाई करके देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है तो उसे भी हमसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डायरेक्ट लाइव क्लास की बात चल रही थी, तो डायरेक्ट लाइव क्लास में आपको मेरे स्टूडेंट के साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा। जैसे वो हमसे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वैसे ही आप भी हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, और फीस में एक भारी डिस्काउंट मिल रहा है, इसका आप लाभ उठाएं। सो ये मैंने कोशिश किया। यहां पर क्वांटम नंबर सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं था, यहां पर उद्देश्य था कि परमाणु की संरचनाओं को थोड़ी सी आपको जानकारी में शामिल कर दूं, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।